चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। आज हम बनाने वाली हूँ पालक का कोफ्ता। चलिए बनाते हैं। देखिए पालक को हम बॉयल करके मिक्सी जार में पीस लिए हैं। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। एक कटोरी हम बेसन लिए हैं। अब हल्दी पाउडर एक चम्मच ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, हरा मिर्च कटा हुआ। अब इसको हम मिक्स करेंगे। पाउडर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। हम छोटा छोटा बॉल बनाकर तल लेंगे। गर्म हो चुका है, अब इसको हम तलते हैं। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हो चुका है। इसी तरह हम सारे बॉल बनाकर तल लेंगे। देखिए फ्रेंड सारे कोफ्ते को हम तल लिए हैं। अब चल रही हूँ ग्रेवी बनाने। गर्म हो चुका है, इसमें हम हींग ऐड करेंगे। थोड़ा देंगे, तीन हरा मिर्च कट कर ली हूँ करेंगे, और प्याज। अब इसको हम एक मिनट तक इसी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा मिर्चा पाउडर आधा चम्मच से कम, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, हल्दी एक चम्मच। इसको भी हम एक मिनट तक इसी तरह पका लेंगे। और गरम मसाला अब अच्छे से इसको हम पका लेंगे। चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इसको उबाल आने तक हम पकाएंगे। ये फ्रेंड उबाल आ चुका है, इसमें अब हम कोफ्ता ऐड करेंगे और दो मिनट तक इसको हम पका लेंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड हमारा कोफ्ता बन गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।